सभी को नमस्कार, मैं सप्रत सिंह, मैं प्रिंसदीप सिंह जी, आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करते हैं। आज हम श्री गुरु रामदास जी की पवित्र शहर श्री अमृतसर साहिब में आए हुए हैं। यहाँ पर आज हम पार्टीशन म्यूजियम जो कि 1947 के बंटवारे को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हिस्ट्री को बताता है, उसे आज हम घूमेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो के एंड तक। आइए चलते हैं इसके अंदर। ये है महाराजा रणजीत सिंह चौक, जहां पर महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने लंबे समय तक खालसा रायत राज को कायम रखा था। लोग अमृतसर में दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर पार्टीशन म्यूजियम को विजिट करना भूल जाते हैं और उनका पार्टीशन म्यूजियम को विजिट करना रह जाता है। हमारी इच्छा है कि आप जब भी यहाँ पर आएं तो पार्टीशन म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें, अपनी ज़िंदगी में इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करें, ताकि आपको भी हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली, उसमें पंजाब को क्या नुकसान हुए, उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। ये बनी हुई है पार्किंग लुधियाना, बठिंडा, पटियाला और जिस भी जगह से अमृतसर में गाड़ियाँ आती हैं, उन सभी की पार्किंग इसी जगह पर होती है। इसी के बैक साइड पर बना हुआ है पार्टीशन म्यूजियम, आइए उसे विजिट करते हैं। हम महाराजा रणजीत सिंह चौक से चले थे और अब हम पहुंच चुके हैं अंबेडकर चौक, जो कि महाराजा रणजीत सिंह चौक से 100 मीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही बना है पार्टीशन म्यूजियम, आइए चलते हैं इसे विजिट करते हैं, पार्टीशन म्यूजियम को। इस फाउंटेन से हमारी एंट्रेंस होती है। आप देख सकते हैं यह बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइम से ही बनी हुई है, कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। चलते हैं इसके अंदर, आइए चलते हैं। इस साइड फूड कोर्ट बना हुआ है, देख सकते हैं आप। आइए अब टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं और टिकट ले लेते हैं। टिकट प्राइसेस की बात की जाए तो इंडियन के लिए यहाँ पर टिकट 10 रुपीज है, और जिन्होंने हमारे देश का बंटवारा किया था उन अंग्रेजों के लिए यहाँ पर टिकट 250 रुपीज पर पर्सन है। उस समय दो देशों का बंटवारा नहीं हुआ था, हुआ था पंजाब का बंटवारा। यह उसी दृश्य के संताप में यहाँ पर पिक्चर्स लगाई गई हैं। बहुत सारे परिवार अपने अपनों से दूर हो गए, कुछ पंजाब में, भारत वाले पंजाब में आ गए तो कुछ पाकिस्तान में रह गए। कईयों को अपनी जाने भी गंवानी पड़ी, कोई ट्रेन से आया तो किसी को चल के आना पड़ा, कईयों की मौतें हुई, कई लोगों के जी काम बंद हो गए सी। उस वेले जनी त्रासदी हुई सी पंजाब दी, उस वेले जी बहुत नुकसान होया सी पंजाब दा जी, बंडिया साडा पंजाब गया सी। ये उस वेले दीआं पुरानीआं तस्वीरां ने जी। आई अब एंट्री करते हैं पार्टीशन म्यूजियम में। आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर इस म्यूजियम को घूमने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आपको अपनी टिकट दिखानी होती है। अभी आप देख सकते हैं अमृतसर की पुरानी तस्वीर, और ये तस्वीर पार्टीशन म्यूजियम की ही है, जो कि अंग्रेजों के टाइम से वैसी की वैसी ही रखी हुई है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं कि 1947 के बंटवारे के समय पंजाब का कितना नुकसान हुआ था, पंजाब के लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ा था। सभी को नमस्कार,
मैं सप्रीत सिंह, मैं प्रिंसदीप सिंह जी, आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करती हैं। इस वीडियो में हम घूमेंगे जलियांवाला बाग को, आइए इसे घूमते हैं। अगर आप और भी प्लेसेस जैसे कि दिल्ली चंडीगढ़ को भी घूमना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए इस स्थान को घूमते हैं। हमने पार्टीशन म्यूजियम को घूम लिया है, अभी हम विजिट करेंगे जलियांवाला बाग को, जहां पर 13 अप्रैल 1919 में बहुत ही बड़ा खूनी साका हुआ था। इसमें कुछ गैलरीज भी बनी हुई हैं जिनके माध्यम से उस घटना को दिखाया गया है। आइए हम इसके अंदर चलते हैं और क्या क्या है इसके अंदर उसे एक्सप्लोर करते हैं। इस साइड से एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस के समय यहाँ पर आप दोनों साइड देख सकते हैं स्टैचूज लगे हुए हैं जो कि उसी घटना को दिखाते हैं। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से ही कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को कई साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा से लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोल्ट एक्ट और सत्यपाल जी एवं सैफुद्दीन जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के पवित्र त्योहार पर दरबार साहिब में माथा टेकने आए हुए थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतनी लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल डायर वहां पहुंच गए। हमने सुना है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे हुए थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में ही कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक छोटा सा रास्ता था जिसे भी ब्रिटिश सैनिकों ने बंद कर दिया था और उस पर भी पहरा लगा दिया था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहीं पर फंस कर रह गए। अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए लोग वहां स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में ही कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले का सही आंकड़ा आज भी पता नहीं चल सका। जब आप जलियांवाला बाग में आओगे तो आप यहाँ पर महसूस करोगे कि कैसे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर, निहत्थे भारतीयों पर कितना जुल्म और कितना कहर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 गोलियों के निशान बने हुए हैं
जो कि जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलाई गई थी उनके यहां पर निशान मौजूद हैं। तेरह अप्रैल 1919 में जो भी माता रतन देवी जी के साथ बीता था उसे जलियांवाला बाग में डिस्प्ले किया हुआ है। आप जब भी यहाँ पर आए उसे जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा कि वो अपने पति को ढूंढती हुई जलियांवाला बाग में पहुंची थी। सारी रात उन्होंने लाशों के बीच बिताई थी। माता रतन देवी जी कहती हैं कि 13 अप्रैल 1919 की वो काली रात मैंने कैसे बिताई वो मेरा ईश्वर और मैं ही जानती हूँ कि वह दर्दनाक रात कैसी थी। 13 अप्रैल 1919 नूं जलियांवाले बाग दा जदों साका वापरिया आया तां उस वेले सरदार उधम सिंह जी दी उम्र तकरीबन 20 साल दी सी जी। उधम सिंह जी दा जन्म 26 दसंबर 1898 ईस्वी नूं पिंड सुनाम जिला संगरूर पंजाब विच होया सी। उहनां जी दे पिता दा नाम सरदार टहल सिंह कंबोज सी जी जो कि रेलवे फाटक विच चौकीदारी दा काम करदे सन जी। जनरल अडवैर ने यह दुखांत बरतौण तो बाद वो वापस इंग्लैंड चले गया जी। 13 मार्च 1940 नूं भारत विच रह चुके अंग्रेज अफसर की मीटिंग लंडन के कैक्सटन हाल विच हो रही सी जिस बारे उधम सिंह ने जानकारी प्राप्त कर ली सी। उधम सिंह भी इस हाल विच अंग्रेजी अंदाज के कपड़े ओवरकोट ते हैट पहन के पहुँच गया। हाल विच सर माइकल अडवैर ने बड़े जोश नाल अपना भाषण शुरू किया। अजे उसने कुछ शब्द ही बोले सन कि उधम सिंह ने एक नुक्कर चों उठ के अडवैर नूं पिस्तौल दीआं गोलियां नाल सदा दी नींद सुआ दिता। हाल विच भगदड़ मच गई परंतु उधम सिंह दलेरी नाल उत्थे ही खड़ा रहा जिमें कह रहा होवे मैनू फड़ लवो लंडन वासीओ मैं खड़ा पुकारा। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। उधम सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बड़े माण नाल अपने कारनामे का इकबाल किया सी जी। यहाँ पर हमारे शहीदों की याद में अमर ज्योति की स्थापना भी की गई है। हमने विजिट कर लिया है जलियांवाला बाग और पार्टीशन म्यूजियम को। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक नए स्थान पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो में हम श्री गुरु रामदास जी के बहुत ही पवित्र स्थान श्री हरिमंदिर साहिब जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है उसके दर्शन करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ।